वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर, दिस इज मिरचा योर लीगल मेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेशन जो अपना क्लॉज चल रहा था पिछले वीडियो में उसको हम करेंगे कंटिन्यू। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था, हमने डेफिनेशन क्लॉज के कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन थे उसको डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम उसी डेफिनेशन क्लॉज के कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है उसे करेंगे याद और समझेंगे भी, ठीक है। जिसे बोलते हैं बेयर कि एकदम से लैंग्वेज में किसी को भी नहीं याद रहता है। इवन आप बोले कि बड़े से बड़े जो वकील होते हैं, इवन जो चीफ जस्टिसेस होते हैं, उनको भी बोल सकते हैं हम पूरा एज इट इज जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है नहीं याद रहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, उन्हें समझ के अपने तरीके से हम क्या करेंगे, जो उनमें इनकॉर्पोरेट किया गया है उसे उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे अपने इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना जो जे क्लॉज है डेफिनेशन क्लॉज का, जो कि हमें बताता है लोकल जुरिसडिक्शन। तो बेसिकली लोकल जुरिसडिक्शन क्या होता है, हमें जे क्लॉज में बताया गया है, इन रिलेशन टू अ कोर्ट और अ मजिस्ट्रेट। तो ये जो लोकल जुरिसडिक्शन की बात की जा रही है, ये कोर्ट और मजिस्ट्रेट के रिलेशन में ही बात की जा रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर अंडर दिस कोड। तो बेसिकली लोकल जुरिसडिक्शन क्या होता है, ये एक तरीके का लोकल एरिया होता है, ठीक है, कि जहां पे कोर्ट जो है वो वहां पे एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, या फिर जो बोल सकते हैं कि जो जहां पे मजिस्ट्रेट है वहां का उनका लोकल एरिया, और उनका जो लोकल एरिया है जिस एरिया तक उनके उनके पास क्या होगा, पावर होगा कि वो जो अपनी पावर है उस एरिया तक ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट जुरिसडिक्शन उनके पास पावर नहीं होता है कि वो वहां पे बियॉन्ड दैट जुरिसडिक्शन वो अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर अंडर दिस कोड। तो इस कोड के अंदर क्या है, उसी लोकल जुरिसडिक्शन या फिर लोकल एरिया के अंदर ही वो क्या कर सकते हैं, अपनी सारी जितनी भी पावर है या फिर कोई भी जो पावर है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट। अब ये पूरा स्टेट जो है वो उनका पूरा लोकल जुरिसडिक्शन हो सकता है, लोकल एरिया हो सकता है जिसमें कि वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, या फिर उस स्टेट के किसी पार्ट तक ही वो अपना जो जो पार है वो उस लोकल एरिया तक ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि एमपी है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो एमपी जो है वो स्टेट है। तो मान लीजिए कि कोई भी जो कोर्ट है, ठीक है, वहां पे जो एस्टैब्लिश की गई है या फिर जो मजिस्ट्रेट है उनके पास पार क्या है कि एमपी में, मतलब एमपी जो है वो पूरे स्टेट के पूरे स्टेट के अंदर उनकी क्या है, वो पावर है, ठीक है, उनके पास, और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पूरे स्टेट के अंदर, ठीक है। लेकिन अब अगर बात की जा रही है कि किसी पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब मान लीजिए कि एमपी जो है एमपी के किसी भी पार्ट के अंदर, मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है वहीं तक उनकी अगर लोकल, उसी लोकल एरिया तक अगर उनकी क्या है पार जो है वो सीमित है, तो वो उसी तक ही सीमित है, वो पूरे एमपी में वो अपनी पार जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और अगर उनके पास जो ये पार दी गई है कि वो पूरे स्टेट के अंदर कर सकते हैं, तो जाके वो अपनी जो पार है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किसके किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन देके कि देखिए आपकी जो पार है इतना तक जो है वो इस जुरिसडिक्शन तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। के क्या करता है, के बताता है हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में, मीन्स द एरिया डिक्लेयर और डीम टू बी डिक्लेयर अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है वो नहीं बताया गया है, वो आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता दिया गया है कि जो सेक्शन 8 में आपको मेट्रोपॉलिटन जो एरिया का डेफिनेशन है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो सेक्शन जो 8 है वो बेसिकली यही कहता है कि जिन एरियाज की जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जो पॉपुलेशन होती है जिन एरियाज की, अगर वो क्या है ग्रेटर है, ठीक है, 1 मिलियन से, अगर वो 1 मिलियन से क्या है, वो किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन से ज्यादा है,
तो उसे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो सिटी है, ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है। ठीक, तो जो दिल्ली है बेसिकली उसकी जो पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, 1 मिलियन से ज्यादा ही होगी, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया कह सकते हैं। और भी मान लीजिए जैसे कोलकाता हो गया, उसकी भी अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसे कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, कि जिसकी पॉपुलेशन अगर 1 मिलियन से ज्यादा होती है उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं। ठीक, अब ओ जो क्लॉज है अपना बोलता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, जो ऑफिसर इन चार्ज, तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि पुलिस स्टेशन का, उस ऑफिस का इंचार्ज। ठीक है, includes when the officer in charge of the police station is absent from the station house. तो basically वो जो station house है, मतलब police जो station है, अगर मान लीजिए वो जो officer in charge अगर मान लीजिए कि वहां पे नहीं है, ठीक है, और unable from illness or other cause to perform his duty, और अगर उसको मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो गई या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से वो अपनी ड्यूटी अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, तो जो पुलिस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन में होगा हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर, अब ये जो ऑफिसर इंचार्ज था उसके जस्ट नीचे वाली जो रैंक के अगर वहां पे पुलिस ऑफिसर होगा, इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, और कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज से जस्ट नीचे होना चाहिए रैंक में, और जो कांस्टेबल उसके ऊपर वाली रैंक में वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो होना चाहिए। और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट और सो डायरेक्ट्स एनी पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस समय पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जैसे डायरेक्ट करेगा कि ये जो पर्सन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑफिसर इन चार्ज। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। पहला क्या है कि वो जो पुलिस ऑफिसर वहां पे होना चाहिए उस समय में, वो जो ऑफिसर मतलब ऑफिसर इन चार्ज है वहां पे पुलिस स्टेशन में उस समय, उससे उसकी रैंक जो होगी वो नीचे होगी, और जो कांस्टेबल है उससे उसकी ऊपर होगी रैंक। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि उसे उस समय क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज अ ऑफिसर इंचार्ज, जब ऑफिसर इंचार्ज जो है वो उसकी तबीयत खराब हो या फिर किसी भी तरीके मतलब किसी भी वजह से वो अगर अपना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे ड्यूटी को। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्यू क्लॉज में, दैट इज प्लीडर। ठीक है, तो प्लीडर क्या, कौन होता है? ठीक, तो प्लीडर बेसिकली यहाँ पे इतना सब कुछ दिया हुआ है तो इसमें कुछ क्लियरली बताया ही नहीं गया है। प्लीडर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो जो हमारे काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, जो एडवोकेट्स होते हैं, जो काउंसिल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्लीडर। ठीक, तो बेसिकली वो होता है जो कि जिनको कि एक तरीके से परमिशन कोर्ट के द्वारा दी जाती है कि आप इस प्रोसीडिंग में क्या करें, आप इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएं, इस प्रोसीडिंग को आप लीड करें, तो उन्हीं को बोला जाता है प्लीडर। तो वही जो एडवोकेट्स होते हैं, काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम प्लीडर कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, ठीक है, कोई भी प्रोसीडिंग इन उस रेफरेंस में बताया गया है जो कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है कोई भी कोर्ट में जो चल रही है, ठीक है, मीन्स अ पर्सन ऑथराइज बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो ये वो पर्सन होता है जो कि ऑथराइज किया जाता है, ठीक है, बाय और अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा वो ऑथराइज किया गया है, ठीक है, टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, उस कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, एंड इंक्लूड्स एनी अदर अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, और कोर्ट की परमिशन के द्वारा उस प्रोसीडिंग में उसको क्या किया जा रहा है, उसको एक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कि उसको क्या करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इस प्रोसीडिंग को बढ़ाइए आगे। ठीक है, तो जो एडवोकेट्स होते हैं बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होती है, ठीक है, उनकी जो सारी चीजें होती हैं जो कोर्ट में करते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कोर्ट से परमिशन उसको मिलती है कि आप इस प्रोसीडिंग को लीड करिए, तो बेसिकली प्लीडर मतलब वही एडवोकेट्स होते हैं, काउंसिल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब आर में आते हैं, क्लॉज आर, जो कि कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173।
सो बेसिकली 173 जो है वो बात करता है कि जब पुलिस ऑफिसर जो होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट तैयार करता है तो उसमें मतलब सेक्शन 173 में उसके बारे में बात की गई है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट जो होता है वो तैयार करता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि पुलिस रिपोर्ट जो होगी वो क्या होगी, वो एक तरीके से रिपोर्ट होगी जो कि फॉरवर्ड की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, किसके किसको की जाएगी, मजिस्ट्रेट को की जाएगी, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 2 और सेक्शन 173। तो यहाँ पे मैंने सबसेक्शन जो 2 है वो आप सबके लिए यहाँ पे डाल दिया सो दैट कि आपको अभी अभी ही क्लियर हो जाए। एज सून एज इट इज कंप्लीटेड, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस ऑफिसर की, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शाल फॉरवर्ड टू अ मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो वो वैसे ही जो ऑफिसर इन चार्ज होगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन का, वो क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा उस पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, उस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेगा, अ रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जैसा प्रिस्क्राइब करेगा उसके जैसा, ठीक है। उसमें फिर क्लॉज ए है, सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज बी है, उस सबके बारे में अभी आप उतना मत समझिए, बस ये जान लीजिए कि इस सबसेक्शन 2 में क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये पुलिस रिपोर्ट होता है। यू में क्या बात की गई, सब क्लॉज यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात की गई कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। तो जो सेक्शन 24 है सीआरपीसी का, ये जो सेक्शन है ये सीआरपीसी के ही बारे में बात करें, ठीक है। तो सेक्शन 24 है सीआरपीसी में, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वही, जिसको हम बोलते हैं ना सरकारी वकील, ठीक है। तो सरकारी वकील जो होते हैं उसी को हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 24 में आपको दिया गया है कि ये जो होते हैं वो सरकारी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कोई भी पर्सन जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शंस के अंदर मतलब एक्ट कर रहा है उसे भी हम क्या कहेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कहेंगे, ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब डब्ल्यू में बात करते हैं, सबसेक्शन क्लॉज डब्ल्यू के बारे में, समन केस। तो समन केस होता क्या है, तो पहले समन डिस्कस कर लेते हैं। समन क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी क्राइम जो है किसी ने अगर कमिट किया है, ठीक है, तो क्या होता है, जो कोर्ट होती है ना सबसे पहले क्या करती है, समन भेजती है उसको कि आपको इस जगह पे आना है, ठीक है, समन भेजती है, समन भेजती है। उसके बाद क्या होता है, जब वो पर्सन नहीं आता है, आ गया तो ठीक है, फिर वो वारंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर समन भेजा कोर्ट ने और उसके बावजूद भी उस पर्सन ने कोई भी ये नहीं भेजा कि मतलब मैं नहीं आ सकता, या फिर कोर्ट को कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि मैं बहुत ही ज्यादा मतलब आने के सिचुएशन में नहीं हूँ, कुछ भी है और वो आता नहीं और कुछ बताता भी नहीं है कोर्ट को, तो उस केस में क्या होता है, फिर जो कोर्ट होती है वो वारंट इशू करती है, और वारंट इशू करती है तो इसमें क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जाके अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, मोटी मोटा पता चल गया कि क्या होता है समन, वारंट क्या होता है। तो समन केस यहाँ पे बताया गया मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, तो बेसिकली जो ऑफेंस आपने किया है उसी से क्या होता है, जो केस जो है वो रिलेट करता है, तो मतलब केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, ठीक है, एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, और ये वारंट केस नहीं होता है। क्या बात कर रहा है, वारंट केस के बारे में बोल रहा है, मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। तो ये जो केस होते हैं बेसिकली वो रिलेट किससे करते हैं, वो उस ऑफेंस से करते हैं जो कि पनिशेबल विद डेथ होता है, ठीक है, एंड इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स, ठीक है। तो जो कि टर्म जो उनका जो टर्म होता है, जो कि पनिशमेंट जो होती है वो किससे ज्यादा एक्सीड करेगा, 2 साल से मतलब ज्यादा होगा जिसकी मतलब पनिशमेंट जो होगी, ठीक है, और डेथ सेंटेंस होगी या फिर आपका जो लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा वो। तो वो सारे जो ऑफेंसेस होते हैं वो एक तरीके से इसमें ये वारंट केस से रिलेटेड होते हैं, मतलब वारंट केस से मतलब वारंट केस में मतलब वारंट केस तो वही हो गया ना, जो ऑफेंसेस होते हैं जो कि वारंट केस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है कि वारंट केस में क्या होता है, जो कि केस रिलेट करता है ऐसे ऑफेंसेस से जो कि पनिशेबल है विद डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट, और आपका जो टर्म उसका एक्सीड करना चाहिए 2 साल से ज्यादा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज यहाँ पे
हमने डेफिनेशन जो क्लॉजेज है अपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। बाकी सब अगर आप को लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, बाकी एक बार आप जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑल्सो बोल सकते हैं कि क्या पता कि आपको पूछ ही दिया, बट वो सब हमारे सीआरपीसी में बोल सकते हैं कि ये सारे जो डेफिनेशन क्लॉज है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे डेफिनेशन हम नहीं पढ़ सकते हैं या फिर नहीं याद कर सकते हैं, तो हमको उसी पे स्टिक रहना पड़ेगा जो कि हमारे इस सीआरपीसी को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज यहाँ पे होता है खत्म। अब हम अगली वीडियो में हम आगे के जो सेक्शंस हैं उसको पढ़ेंगे और सीआरपीसी को बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो डेफिनेशन क्लॉज है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।